वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। और आज हमारा क्लास नंबर, आज हमारी क्लास नंबर 3 है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि साइंस की मैंने लास्ट टाइम अभी 2 क्लास डाल दी है, और आज हम क्लास कौन सी लेके आए हैं वो भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, 10th क्लास की बायोलॉजी की 3rd क्लास है। कल और परसों हमने लिविंग थिंग्स, जो 1st क्लास थी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। सेकेंड में हमने क्लास में बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वे ऑफ मेथड, कि आप किस तरीके से फूड को ऑब्टेंड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आज हम पढ़ाएंगे, पहले तो क्या था कि कल कुछ एग्जाम्पल देने थे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल मैंने वीडियोस में, आज देखो जी स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल। तो है वो क्या कहते हैं, पहले वाले का तो क्लियर होगा आपको, क्या कहते हैं, 2 टाइप के हमने आपको स्टडी कराया था, ठीक है। एक तो ऑटोट्रॉफिक था और दूसरा हेटरोट्रॉफिक था, ठीक है। आज हेटरो के भी 3 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से थे, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थोड़ा सा डाउट आ गया था स्टूडेंट का इसलिए, और थोड़ा एग्जाम्पल भी कम दिए थे, तो आज एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। करना क्या है आपको, डेफिनेशन लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल याद करना है। तो पहला एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो डेड एंड डीके से अपना फूड को लेगा, डेड एंड डीके एलिमेंट या ऑर्गेनिजम से अपना फूड ऑब्टेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसका एग्जाम्पल है मशरूम, क्या है मशरूम, मशरूम है, फंजाई है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपके बोर्ड पर आपको अभी मशरूम नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो मशरूम में आप देखोगे डेड एंड डीके, डेड एंड डीके पर देखो मशरूम सी उगी हुई है, ठीक है। मतलब गला सड़ा ये पेड़ है, इस पेड़ पर आप देखो मशरूम सी उगी हुई है, इसे ही बोलते हैं मशरूम। और ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी ये पिक के द्वारा ही, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या है, प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म्स है, और अमर बेल बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, अमर बेल भी है। अगर मैं ये बात करूं, ये भी क्या करता है, देखो प्लाज्मोडियम होता क्या था कि यह अपना, पहली बात तो सुनो, न्यूट्रिशन कैसे करता है ये न्यूट्रिशन लिविंग थिंग से ही न्यूट्रिशन को लेता है, ठीक है। दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स हैं, एक लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स पर, और वो भी ये नहीं कि मरने के बाद, जैसे यहाँ पर डेड एंड डीके है ना, ऐसे नहीं, वो भी लीव उस वक्त जी रहा होगा, उससे खाना वो लेगा, ठीक। मैंने एक एग्जांपल दिया था, राउंड वॉर्म का एग्जांपल दिया था, ठीक है। राउंड वॉर्म क्या करता है वो सुन लो, इंटेस्टाइन के अंदर, यह आदमी के इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से अपना खाना लेता है ये, ठीक है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। जहां से ये खाना लेता है, जो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, और जो बंदा ले रहा होता है, या फिर जो कहूँ तो राउंड वॉर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राउंड वॉर्म है, पैरासाइटिक है, क्या है, पैरासाइटिक है, जो हमारा पैरासाइट है, हमारा राउंड वॉर्म क्या है, पैरासाइट। और मैन क्या है यहाँ पर, हमारा मैन, हमारा क्या है, होस्ट है, ठीक है। अभी आपके सामने एक पिक लगी होगी, तो आप इस पिक्चर में देखिए, देखो स्क्रीन पर पिक आ गई होगी, इस पिक पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स निकले हुए हैं। तो इंटेस्टाइन का ही स्ट्रक्चर है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन, देखा होगा आपने ऐसे करके कुछ, ठीक है। और यहां से राउंड वॉर्म निकलते हुए देखे होंगे आपको, ठीक। तो ये राउंड वॉर्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्लांट भी होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो मतलब फॉलो करता है अपना फूड दूसरों पर डिपेंड होकर बनाता है। अमर बेल सुना होगा आपने, एक बेल देखी होगी, वो कहीं पर भी आप उसको कैसे भी दे दो तो वहीं की वहीं डायरेक्शन लेने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अमर बेल है, आपकी पिक पर देखो अमर बेल की एक पिक लगाई होगी, तो आप इसको देखो, ये देखो कैसे करली करली, अब किसी पर भी अगर आप रखोगे तो उसी के ऊपर अपना अपना क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा, ठीक है। अमर बेल इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, सभी स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल, होलोजोइक तो बहुत ईजी है, क्यों है, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड है, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, हम सब होलोजोइक के अंदर आते हैं। बट मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक एग्जांपल लिया है अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर देखो आप, अब अमीबा आपके स्क्रीन पर है, अमीबा को देखो, ये आपके स्क्रीन पर है। एक तो सबसे बड़ी बात अमीबा का क्या है कि अमीबा ये एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से स्टडी कराऊंगा मैं, ठीक। अभी फिलहाल आप इसकी पिक देख लो, और ये इसका एग्जाम्पल होलोजोइक का, ठीक। फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे हम आपको, और या फिर मैं कहूँ तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अब एक एक करके न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे, कैसे कैसे न्यूट्रिशन आगे आगे ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन एनिमल
और स्टडी करेंगे तो एनिमल और ह्यूमन एक ही उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब तक एक बार एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एग्जांपल है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहली बात स्टूडेंट, अभी तक हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, अब करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर आप न्यूट्रिशन कैसे करते हो, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन आप कैसे लोगे। ठीक है, प्लांट अपनी एनर्जी कैसे लेता है। तो सबसे पहला प्रोसेस, प्लांट कैसे लेगा, अपना फूड कैसे बनाता है, मैंने बताया था तुम्हें, प्लांट मेक आवर ओन फूड। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक बात तो क्लियर होगी प्लांट के बारे में। ऑटोट्रॉपिक में हमने ये स्टडी किया था स्टूडेंट, कि वो अपना खाना खुद बनाएगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा। तो ये खाना अपना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अब एक वर्ड और ऐड कर रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक वर्ड याद रखना, सुनना भाई क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल फोटोसिंथेसिस पे बाद में आऊंगा, चीज सुनना पहले क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहला वर्ड मैंने बोला क्लोरोफिल वर्ड। ठीक है, जो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अपने एनर्जी कैसे लेता, तो आप बताओगे प्लांट को कि प्लांट का जो पत्ता होता है ना, उस पर सारा सारा खेल होता है। और ये कैसे लेता अपना खाना वो सुनना, कि जो पौधा अपना फूड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है वो सुनना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, फूड के बारे में तो क्लियर हो गया, वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर फूड को बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और विद द हेल्प, और इन द आगे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, बाय यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट को यूज करते हुए, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल के बारे में ही, चलो एक बार पहले क्लोरोफिल के बारे में स्टडी करते हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा होता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, ये पिगमेंट होता है, अब पत्ते के ऊपर क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, अब सुनना, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल रेड कलर का नजर क्यों आता है, पौधा क्लोरोफिल की वजह से नजर आता है। इसके अंदर भी एक बॉडी होती है, उस बॉडी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हमें अपना पिगमेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो हमें क्या नजर आता है, ग्रीन नजर आता है। क्लोरोफिल किस लिए ग्रीन नजर आता है, क्लोरोफिल इसलिए नजर आता है ग्रीन, क्योंकि उसके पास छोटी छोटी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट बॉडी होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखो एक स्क्रीन पर आ गई ये पिक। ठीक है, तो इस पर आप देखिए अच्छे से गौर से, कि इसके अंदर छोटे छोटे पिक पे वो है, छोटे छोटे वो है, क्या कहते हैं, गार्ड टाइप में बनी हुई है, तो वो हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, पूरे की वजह से ही, ये पूरा का पूरा जो लीव है वो हमें क्या दिखाई देगा, ग्रीन नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। एक चीज, दूसरी चीज स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट की बात क्लियर होगी, क्लोरोफिल की बात क्लियर होगी, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस बोला। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, करीब करीब 3 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो पहले क्या लिखना है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करता है, डन करता है। ठीक, दूसरी चीज, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, फूड अकर होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या कहते हैं, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, सिंथेसाइज करना, अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं आगे एक चीज और बता देता हूं आपको, कि अब ये ग्रीन बॉडी की बात क्लियर होगी। अच्छा, मैंने एक है ना इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उससे पहले पहले बाद में स्टडी करेंगे, पहले थोड़ा और देख लेते हैं एक चीज और, कि देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं पहले। ठीक है, हो गया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मैंने बता दिया है। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसके अंदर हम अपना फूड मेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। रिएक्शन क्या कहते हैं, सुनना, मैंने फोटोसिंथेसिस में करा क्या, देखो सबसे पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल लिए मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, मैंने बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक, या फिर अभी इसके बारे में थोड़ा सा समझना, अभी ये रिएक्शन समझना, या फिर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा और समझा देता हूँ। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली मैंने, एक एक करके स्टडी करते हैं इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, ठीक है, अब ये जो पौधा है, जो गैस, अब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ, लीफ है, लीफ उस पर, लीफ पर आया। ठीक है, और किसके थ्रू आया, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू उसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले ली। ठीक
ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, लीफ ने ऑब्जर्व कर ली कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसके बाद क्या किया, वाटर, वाटर कहां से लेते हैं, जब हम मिट्टी के अंदर वाटर डालते हैं तो वाटर लीफ के पास कहां से आता है, हमारा सोइल से आता है, वाटर फ्रॉम द सोइल। इसके बाद अब सनलाइट आई, सनलाइट आई इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी ले ली, वाटर भी ले लिया, इसकी प्रेजेंस में इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, फोटोसिंथेसिस बोला, क्या बोला इसको, फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस हो रहा फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अब सुनना देखना, ये मॉलिक्यूल्स अगर मैं 6-6 को हटा दूं, अभी 6-6 को हटा देता हूं, तो ये किस में डिवाइड होता है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, ठीक है। इसके बाद सुनना, अब ये डिसोसिएट हो गया, अब मुझे चीज आज अभी क्या है कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो इसमें से ऑक्सीजन जो है ना, इसका इसका OO क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है। और कार्बन मॉलिक्यूल्स इसके पास चले जाते हैं और इस पूरे को बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद किया होगा और याद कर लेना, 1 मार्क्स में आता है, तो किस में आता है ये, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये देखो, ये खाना बन गया उसका, ठीक है, खाना बन गया, और तुम्हें पता है फिर उसके बाद ऑक्सीजन निकल गई, ठीक। अब तुम ये पूरा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सबको पता है कि जो हमारा ट्री होता है वो दिन के अंदर हमारी ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसलिए तो कहते हैं कि पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा ट्री होता है और प्लांट होता है वो हमारे को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में भी आपको दिख रहा है ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, और फूड कौन सा बना, C6H12O6। ये बात सभी को क्लियर हो गई, सबसे पहली बात मैंने बताई, देखो भाई सुनना भी, अब मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से एकदम, ठीक है। देखो भाई ये सारा का सारा क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ। अब मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लूं या फिर दिख रहा है आपको, मैं रफ कर देता हूँ इसको, C6H12O6, ठीक है, बस C6 को रहने देता हूँ, बाकी सबको चलो इसको भी कर ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक, यहां पर क्या है, सूरज है, ठीक है, यहां पर सनलाइट है, ठीक है, यहां पर सनलाइट बना दिया मैंने, सूरज है ये, सन है ये, यहां से सनलाइट आई, यहां से सनलाइट आई, ये लीफ है हमारा, ये वाला क्या है, ये ग्रीन लीफ है, दिख रहा होगा, चलो भाई मैं अभी फिलहाल इस पर बोर्ड पर समझा रहा हूं, ठीक। अभी सुनना, सन है, यहां से लाइट आई, और सुनना ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्टेम है, और ये हमारे क्या है, रूट है, क्या है ये, रूट। और अब सुनना क्या हुआ, यहां से क्या क्या आया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली इसने, किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है, और वाटर इधर से आ रहा है, वाटर इधर से भी आ सकता है भाई, वाटर आ रहा है, किसके थ्रू, इसने गैस ली, इसने इसने ली स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या करता है डियर, लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र, पोर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं या फिर टाइनी होल होते हैं, जिनके थ्रू ये लीफ के ऊपर होते हैं, पत्ते के ऊपर होते हैं लीफ छोटे छोटे, इसके थ्रू क्या करते हैं, ये गैस को ले लेते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, और ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी तो इन्हीं के थ्रू निकलती है। और अब समझ में आ गया स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है टाइनी टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके कारण गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, डन, ठीक है। नेक्स्ट बात बताता हूँ मैं, स्टोमेटा की बात क्लियर हो गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, मैंने बताया था यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके बाद वाटर था, उसके बाद सनलाइट थी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ, ऊपर मैंने क्लोरोफिल लिखा था, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो गया, फूड बनाया था C6H12O6, ठीक है, तो ये बनाया था C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का सिंपल फॉर्म होता है, तो फर्स्ट पहले अपना क्या करता है, सिंपल फॉर्म बनाता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज सिंपल, ये ग्लूकोज का फॉर्म है ना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्या करता है भाई, मुझे एक बात बता दो, जैसे तुमने अभी खाना खाया, ठीक, और अभी एनर्जी मिल गई, तो क्या खाना खत्म हो गया, फिर तुम्हारे दोबारा खाना पड़ेगा फिर एनर्जी लेने के लिए, नहीं, हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने की एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ऐसे ही हमारा प्लांट भी उसी चीज को स्टोर करता है। अब सुनना, जो ये इसने खाना सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेम को क्या कहते हैं, रूट्स को सारा फूड कर दिया, देखो मैंने फूड लिखा हुआ है, फूड जा रहा है इधर से लीव से, ठीक है। अब इसके बाद जो फूड बच जाता है, एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, तो उसको प्लांट भी क्या करता है, सेव करता है। देखा भाई, आज अगर आंधी ना चले, आज हम पानी नहीं देते, ठीक है, और आज हम सूरज की जगह अंदर लाके पौधे को रख देते हैं कई बार, तो क्या वो एक ही दिन में मुरझा जाएगा, नहीं,
धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, ऑलरेडी फूड स्टोर होता है, वो उसको यूज करता है। उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, वो मुरझा जाता है जब सनलाइट नहीं होती तो। ठीक है, तो वो जो फूड स्टोर हुआ ना, वो किस फॉर्म में हुआ, उसको बोलेंगे हम स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है फूड। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब मैं दोबारा आपकी स्क्रीन पर देखो, एक डायग्राम आ रहा होगा। ठीक है, डायग्राम में क्या है देखना, ऊपर से सूरज आ रहा है। ठीक है, ऊपर से सूरज आ रहा है। सूरज आ रहा है क्या, कि अगर ये सूरज देखो आपके स्क्रीन पर एक पिक आ रखी होगी, इस पिक के अंदर क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पिक के अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो सनलाइट आ रही है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। देखना, सुन रहे एक बार, इसके अंदर एक स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं। इसके अंदर से क्या है, देखो CO2 आ रही है, उसने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, इस CO2 को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर दिया जाता है। किसके अंदर, ये ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आ रहे हैं। इससे क्या होता है, ये अच्छा सनलाइट है, सनलाइट को चेंज कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कितनी सारी फल सब्जियां उगती है पेड़ों पर। ठीक है, तो उसके अंदर सारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं। तो वो सनलाइट को केमिकल रिएक्शन कर चेंज कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, अब देखना, अब ये तो मैंने थोड़ा सिंपल सा बताया, आप सुनना पूरा प्रोसेस होता है क्या, फोटोसिंथेसिस होती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट लिया, और फिर क्या हुआ, किसके थ्रू लिया, स्टोमेटा के थ्रू लिया, एनर्जी आई। एनर्जी के बाद इन्होंने सारों ने केमिकल रिएक्शन करी, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में अपना फूड बन गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और आपके पिक के अंदर दिख रहा होगा स्टोर फूड लिखा हुआ है मैंने, वो स्टार्च फॉर्म में है, और जो फूड है अपना सिंपल है, उसे ग्लूकोज में बोला हुआ है। उसके बाद देखो फूड स्टेम के अंदर भी जा रहा है, रूट के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो इस पिक को बहुत अच्छे से देखो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। आपको क्या करना है, जो मैंने बोले स्टेप, एक तो वो लिखने हैं। पहला स्टेप क्या लिखोगे, फोटोसिंथेसिस। पहली बात तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बताओगे, भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक, उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि आप कि इसके अंदर CO2 विद वाटर की हेल्प से हम फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कि भाई एनर्जी एक्सचेंज होती है CO2 के थ्रू। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे भाई CO2 के थ्रू एक्सचेंज हो गया, O2 हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, और सनलाइट को केमिकली चेंज कर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस हमारे क्या है, और एक इससे जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में आता है। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सुनना, ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, अभी पिक हटा देते हैं। सुनना, अब आगे क्या है, ये सारा क्लियर हो गया आपका प्रोसेस। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, अब इसके स्टेप क्या है, हुआ क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एक्चुअली देखो प्रोसेस क्या है कि रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, मैंने केमिकल रिएक्शन बता दिया, अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं कि नेसेसरी क्या क्या है, किस किस के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, रफ करने के लिए पेज कहाँ गया, एक सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेसेसरी 3 पॉइंट देख लेते हैं, क्लियर कट समझ लेते हैं एकदम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था भाई, कन्वर्जन हुआ था, मैंने बताया पहला स्टेप क्या हुआ, क्या क्या था इसके अंदर। एक तो सबसे पहली बात, सनलाइट को चेंज कर दिया था हमने, किसके अंदर, कन्वर्जन केमिकल रिएक्शन से हमने क्या कर दिया, इससे हमने अपना फूड बना लिया। क्या बना लिया, फूड बना लिया। ठीक है, एनर्जी बना ली। दूसरी चीज भाई, CO2 और H2O को स्प्लिट कर हमने ऑक्सीजन निकाल ली। ठीक है, और ये सारा फूड बनाया था, ये सारे हमारे स्टेप थे। अब नेसेसरी चीज क्या क्या है वो सुन लो, पहला लिख रहा हूं मैं सनलाइट। ठीक है, पहला क्या है, सनलाइट। सनलाइट इसके लिए, बस इसके लिए भाई इतना ही लिखना है कि भाई जरूरी है, क्यों, बिना सनलाइट आपने देखा होगा पौधा अगर आप अंदर लेके आओगे तो वो सूख जाता है। दूसरा है क्लोरोफिल, दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर, और थोड़ा बहुत जैसे कि सोयल से मिनरल्स वगैरह ले लेते हैं प्लांट कई बार। ठीक है, लेते ही हैं। ठीक है, वैसे फोटोसिंथेसिस इसकी इतनी नीड नहीं है, बट हाँ ये नेसेसरी है, ये तीनों चीज नेसेसरी है। इसके बिना क्या होगा, इसके बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस।
इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ स्टूडेंट 5 मार्क्स में आएगा। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक को अच्छे से फोटोसिंथेसिस पढ़ना और मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, समराइज कर दिया मैंने पूरा टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक ही, और थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक करना और जितना हो सकता है शेयर करना। कल और परसों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन जरूर 1 मार्क्स में आता है, उसका डायग्राम के साथ आता है, तो देख लेना। पोर्स बने होते हैं छोटे से, ठीक है, छिद्र बने होते हैं, इससे क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, CO2 लेता है, ठीक है, और O2 बाहर निकालता है। ठीक है, ये लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और इसे बोल सकते हैं टाइनी पोर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक, इसका 1 मार्क्स का आया भी था, और अभी आपको पता ही है, जितना हो सकता है शेयर करो। और 12th की क्लास चल रही है मैट्रिक्स, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी चल रहा है 10th क्लास का, जिसमें मैं 9th चैप्टर पूरा कंप्लीट डाल चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, 3rd चैप्टर चल रहा है हमारा अभी लाइव क्लासेस में, तो 3rd चैप्टर भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, शायद आज 7th क्लास आएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी क्लासेस चली हुई हैं, तो जितना हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें जो जो स्टूडेंट हैं, और वीडियो को लाइक करना। तो थैंक यू सो मच गाइज़।